मेरी जिंदगी के दो यादगार सफर हैं, एक करंबर लेक का और दूसरा शिमशाल वैली का। करंबर का सफर करंबर की खूबसूरती की वजह से और शिमशाल का सफर उसके खौफनाक रास्ते की वजह से। तीसरा ये सफर है जो परसान का सफर है। ये सफर खौफनाकी में और रास्ते की दुश्वारी में शिमशाल के सफर को भी काट गया। ये दरिया लटको है और जिस जगह से हम अपने सफर का आगाज कर रहे हैं इसको बोलते हैं रोंडोर। चित्राल से निकल के कोई 35 किलोमीटर का सफर करके 36 का आप रोंडोर पहुंचते हैं और रोंडोर से फिर दूसरी साइड पे रास्ता निकलता है परसान का। दरिया क्रॉस करने के साथ ही रास्ता ऊपर की जानिब स्टीप होता जाता है और 4000 फीट से लेके 10,000 फीट का जो रास्ता है, 10,000 फीट की हाइट तक पहुंचने में आपको सिर्फ 9 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ से रोंडोर से परसान वैली का रास्ता है 9 किलोमीटर का, और ये 9 किलोमीटर का वो वाला रास्ता है जिसपे आप अपनी गाड़ी मोड़ नहीं सकते। अगर रास्ते से आपका प्रोग्राम बन जाए कि यार ये दुश्वार रास्ता है, हमने वापस जाना है, तो आपको रिवर्स आना पड़ेगा, आपको किसी जगह गाड़ी मोड़ने की कोई भी सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। लिहाजा अगर आप परसान जा रहे हैं और इरादा करके जा रहे हैं कि हमने जाना है, तो फिर इस इरादे के साथ जाएं कि सुबह 12 बजे अगर आप निकलेंगे तो 2 घंटे आपके ये 9 किलोमीटर कंज्यूम करेगा और इन 2 घंटों में आप फिर वापस नहीं आ सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, परसान ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स दूर है मेन चित्राल टाउन से, यानी कि लोअर चित्राल से। ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर का रास्ता है चित्राल से रोंडोर तक, जो कि एक पेव्ड रोड है जो गर्म चश्मा को सड़क जाती है, और 9 किलोमीटर परसान तक। परसान वैली का ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट 3 आवर्स है। एक घंटे में आप 35-36 किलोमीटर का सफ़र करते हैं चित्राल से निकल के रोंडोर तक, और अगले 9 किलोमीटर का जो सफ़र है वो आप 2 घंटे में करते हैं, जितना भी गाड़ी को आप अच्छे तरीके से चला लें परसान तक। वो जो ऊपर आपको टावर नज़र आ रहा है मोबाइल वाला, ये परसान में लगा हुआ है और ये 10,000 फीट पे लगा हुआ है, और जिस वक्त हम जहाँ चल रहे हैं हम 5,000 फीट पे, तो अगले 5,000 फीट इन्हीं 7 किलोमीटर में। परसान का रास्ता मुकम्मल कच्चा रास्ता है। दरिया लटको क्रॉस करके जब आप परसान की तरफ मुड़ते हैं तो ये 9 किलोमीटर का जो रास्ता है ये मोस्टली कच्चा ट्रैक है। जहाँ जहाँ पे छोटी हाइट पे आप होते हैं वहाँ डेड ट्रैक है, और ऊपर जब आप डेथ टनल के पास पहुँच जाते हैं वहाँ पे जाके फिर ये टोटल रॉकी ट्रैक है। सो यहाँ पे आप अपनी खिड़की भी नहीं खोल सकते क्योंकि नीचे से घट्टा मिट्टी इतना उड़ रहा होता है कि वो सारा गाड़ी के अंदर आ रहा होता है। डेंजर लेवल का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जो परिंदे हैं इस वैली के वो भी इस रास्ते की हाइट से नीचे फ्लाई कर रहे होते हैं। ये जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये एक तरह के खुदा नखास्ता पुल सिरात के ब्रिज की रिहर्सल ही समझिए इसको। ये एक छोटा सा नाला ऊपर से आ रहा है जिसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है, और इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए जब आप गाड़ी के इसके ऊपर गुज कर क्रॉस कर रहे होंगे तो आपको बहुत डेड स्लो स्पीड के ऊपर इसको क्रॉस करना, और साथ ही आपको फिर राइट मुड़ना, और राइट मुड़ने के बाद आप देख लें सड़क तो नहीं है, पेंसिल से खींची गई एक लकीर है, और उस लकीर के नीचे भी पत्थर लगा के उसको आसरा दिया गया है कि वो किसी तरीके से खड़ी रहे। रोड की स्लोप से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आम गाड़ी के बस की बात नहीं है, लिहाजा परसान जाने के लिए इस तरह के मोड़ काटने के लिए आपको एक जानदार 4x4 गाड़ी की ज़रूरत है। अगर आप अपनी कार पे आने का ख्वाब देख रहे हैं तो वो छोड़ दें, क्योंकि कार तो आपकी रोंडोर तक आ सकती है, उसके आगे आपको हर सूरत 4x4 गाड़ी ही करवाना पड़ेगी। बेहतर है आप चित्राल से ही लेके आ जाएं। परसान वैली में कोई गेस्ट हाउसेज नहीं है, हाँ लोगों के दरवाज़े आपको ठहराने के लिए हमेशा खुले।
इंतहाई मेहमान नवाज लोग हैं, आप जब भी जाएंगे तो वापस आते हुए आपको यही कहेंगे कि प्लीज़ आज की रात हमारे साथ रुक जाए। लेकिन यहाँ पे कमर्शियल गेस्ट हाउसेस नहीं हैं, उसके लिए आपको चित्राल जाना पड़ेगा। चित्राल के जीप अड्डे से आपको परेशान जाने वाली वैन मिल जाएगी, सवारियों वाली, उसमें आप 500 रुपया दे के बैठेंगे और इन ज़िगज़ैग रास्तों से होते हुए वही ड्राइवर जो कि एक्सपर्ट है इन रास्तों का आपको तकरीबन 3 घंटे में लेके परेशान में पहुंच जाएगा। बेहतर है अपनी गाड़ी वहां पार्क करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें। हमने अपना सफ़र शुरू किया था 11:55 में, इस वक्त हुए 12:22, मतलब हाफ एन आवर के बाद हमें डेथ टनल नज़र आना शुरू होगी। और डेथ टनल इसको इस वजह से कहते हैं या डेथ रोड इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इस रास्ते पे साइड पे कोई रीलिंग मौजूद नहीं है, कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है और इस रोड पे सफ़र करते हुए खाली मकामी 15 लोगों की डेथ हो चुकी है, इसलिए इसे डेथ रोड बोलते हैं। ये आ गई है डेथ टनल। यहाँ से रोड नीचे से रॉकी है और रॉकी होने के साथ साथ स्टीप है, लिहाजा यहाँ पे गाड़ी की आके मिसिंग शुरू हो जाती है। यूँ गाड़ी पे तकरीबन कोई 4x4 पे आधे घंटे का ट्रैवल करने के बाद, और अगर आप बाइक पे आ रहे हैं और अच्छी बाइक पे आ रहे हैं, 150 सुजुकी पे आ रहे हैं, 125 तो लोकली लेके चढ़ते हैं, लास्ट ईयर हमने अटैम्प्ट की थी 150 पे तो वो भी नहीं चढ़ सकी थी यहाँ पे मिसिंग करती, तो एक घंटा बाइक पे आधा घंटा गाड़ी 4x4 पे ट्रैवल करने के बाद आप इस पॉइंट पे पहुँचते हैं। और अगर गाड़ी आपकी थोड़ी सी भी कमज़ोर है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, यहाँ से गाड़ी आपकी मिस करेगी, मोशन नहीं पकड़ेगी और ऊपर नहीं जा सकेगी। और जैसे ही आप टनल से क्रॉस करते हैं तो फिर एक लंबी टनल है जो कि दूसरी साइड से खाली है, 3 साइड से पहाड़ है और पहाड़ के नीचे आपको गुजरना पड़ता है। यहाँ पे अच्छे खासे लोगों का पैम्पर ख़राब हो जाता है। परसान वैली विज़िट करने का बेस्ट सीज़न है जून जुलाई अगस्त, आप समर में आएँ और इसकी खूबसूरती आपको फरेफ्ता कर देगी। लेकिन अगर आप विंटर्स में आना चाह रहे हैं तो विंटर्स में फिर अगर स्नोफॉल हुई है तो जिन दिनों में स्नोफॉल होती है, 1-2-3 दिन जब लाइव स्नोफॉल चल रही होती है, तो ये रास्ता बंद होता है। ये वो दरिया है जो नीचे जाके फिर दरिया लुटको से मिलता है रोंडोर के मकाम पे। और जैसे ही आप टनल क्रॉस करते हैं तो आपको मकामी जानवर भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप गर्मियों में आएंगे तो ये जानवर परिंदे इनकी तादाद में यहाँ पर इजाफा होगा। हम क्योंकि समर में आए हैं, विंटर में आए हैं सॉरी, यहाँ पे बर्फ़बारी जो है वो हो चुकी थी, जानवर एक ही हमें ये फॉक्स नज़र आई है और बाकी ऊपर जाके जो खूबसूरती है वो लाजवाब है। इतनी खूबसूरत जगह पे आके वैसे मोबाइल फ़ोन का पूछना बनता नहीं है, लेकिन हम क्योंकि अब कम्प्लीटली सोशल एनिमल हो गए हैं, मतलब इंस्टा पे रील लगाना, फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करना, व्हाट्सएप पे लगाना, ये तो अब हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं आपको जाते जाते मोबाइल नेटवर्क भी बता दूं। यहाँ पे चित्राल में ओवरऑल मोबाइल नेटवर्क सिर्फ टेलीनॉर आता है। वैसा ये क्या है, वैसा ये क्या है, पानी है, पानी, ठंडा पानी, हाँ नहीं नहीं पीछे है जगह, पीछे गाड़ी जाने देना, फिर वहाँ से रिवर्स होके जाएगी। ये पर्सन का मेन नाला है, यहाँ से सारा पर्सन वैली का पानी इकट्ठा होके नीचे लुटको रिवर की तरफ जाता है। अगर आप जून जुलाई अगस्त में आ रहे हैं तो यहाँ पे पानी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि आपको बास दफ़ा यहाँ से पानी के पास जाना है। हाँ चलते हैं, ये मेन रिवर फ्लो है, इसको क्रॉस करने के बाद आप मेन पर्सन में एंटर हो। यहाँ से आगाज़ होता है जी मेन परसान वैली का, वेलकम टू परसान खान बेसिक हेल्थ यूनिट परसान। उमेश साहब किधर आए हो, हाँ पानी के पास, आप तो परेशान आए हो, आप किधर आए हो, परेशान, आप किधर आए हो, मट्टी पास, परेशान, परेशान। सच्ची बात है, परेशान आने का जो असल मज़ा है वो डेथ टनल से गुजर के आने का ही है, क्योंकि वही इसका थ्रिल है, वही इसका एडवेंचर है, वही इसकी एक्साइटमेंट है। लेकिन अगर आप आसान वाले रास्ते से आना चाहते हैं तो वो रास्ता करीमाबाद मशदिल से होके आता है। अल्टरनेट रूट है कि आप रोंदुर से परसान डायरेक्ट वाया डेथ टनल ना आए, आप रोंदुर से आगे शोगोर चले जाएं, शोगोर से फिर आप मशदिल जाएं, करीमाबाद जाएं, और करीमाबाद से ऊपर से गुजर के आप फिर परसान आ जाएं।
वो रूट रिलेटिवली इजी है, लेकिन वो रूट आपको फर्दर तकरीबन कोई 4 घंटे कॉस्ट करेगा, या अगर आप परसान आने के बाद उस रूट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ से परसान से इसी रास्ते से निकलें, आप करीमाबाद जाएं यानी मशदिल जाएं, और वहाँ से फिर आप नीचे उतरें टूवर्ड्स शोघोर। ये आपका कंप्लीट तकरीबन कोई 1 दिन आपका कंज्यूम कर लेगा चित्राल से परसान पहुँचने के लिए, अगर आप उस रूट से आते हैं। चित्राल से परसान का ये वाला रास्ता 3 घंटे और ऊपर वाला रास्ता शोघोर वाला 6 घंटे आपको कॉस्ट करेगा। यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि ये देखें जो पानी बह रहा था नालियों के अंदर, ये जो खेती बाड़ी के लिए नालियाँ बनाई गई हैं वो भी यहाँ पे जमा हुआ था। यहाँ पे मोस्टली जो दरख्त हैं वो पॉपुलर के हैं और लोगों ने ऑर्चर्ड यानी फ्रूट ट्रीज भी लगाए हुए हैं। कहीं पे रास्ता वैली के अंदर आके आसान है और कहीं पे दुश्वार गुजार। ये आप बर्फ़ की हालत देखेंगे, ये पानी नीचे चल रहा है और उसके साथ पानी के ऊपर जो है वो बर्फ़ जमी हुई है, और ये है ऐसा, और ये देखें क्रिस्टल्स बने हुए हैं बर्फ़ के, ये क्रिस्टल्स। मैसा आप किधर आए हो, आप किधर आए हो मैसा? हाँ पानी, पानी के पास आए हो? हाँ कब आए हो आप? हाँ क्या और दे दूँ? ये लो, नो गमल है क्या? ठंडा है, ठंडा है गमल है वैसा, ठंडा है कि गमल है? गमल है। आप किधर आए हो, आप किधर आए हो वैसा? परेशान, परेशान आए हो आप? परसान की डेथ टनल जितनी ऊपर चढ़ते हुए ख़तरनाक है उतनी ही वापस जाते हुए भी ख़तरनाक है। मैंने आते हुए तो आपको रास्ता दिखा दिया था, बट आई थॉट वापसी जाते हुए प्रिकॉशंस भी आपको बता दूं कि अगर आप सेल्फ ड्राइव पे आ रहे हैं तो वापसी जाते हुए यहाँ से आपकी गाड़ी नीचे को भागती है, क्योंकि रोड का ग्रेडियंट और स्लोप बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अपनी कोशिश यही करनी है कि आप फर्स्ट गियर में रहें। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे सूरज क्योंकि हमारे सामने था तो फुटेज इतनी क्लियर नहीं आई, लेकिन यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आपने थोड़ा सा भी अपने आप को रिलैक्स किया तो ये रास्ता आपको नीचे जो आपको दरिया नज़र भी नहीं आ रहा 10,000 फीट पर वहाँ ले जाएगा। Thank you.